ये पीएम बनाने वाली बात आप मत कहिए। पहली बात तो मेरा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं कोई रेस में नहीं हूँ। अब तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री और अगले बार वही बनेंगे। मैं आरएसएस वाला हूँ, देश के लिए काम करना ये हमारा मिशन है और मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है और हम सब लोग उनके पीछे खड़े हैं, तो मेरा पीएम होने का सवाल कहाँ से खड़ा होगा। अभी मैं वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इस साल वाराणसी टू हल्दिया 80 लाख टन माल का ट्रांसपोर्ट हुआ, अगले दो साल में 280 लाख टन का होगा, तो कम से कम 2000 बार चलेंगे, जॉब क्रिएट होगा। अभी मैं ताजमहल तक पानी से जाने की बात कर रहा हूँ, 10 वाटरवेज में काम कर रहा हूँ। इतने रोड बने, इतनी टनल्स बनी, इतने इक्विपमेंट्स आए, 80% ग्रोथ रेट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। क्या वो इक्विपमेंट चलाने वालों को जॉब नहीं मिला? इतने बड़े प्रमाण पर सैंड लग रही है, सीमेंट लग रहा है। सीमेंट आपको ताजुब होगा, इस देश के सीमेंट इंडस्ट्री का 40% सीमेंट हम लोग कंज्यूम करते मेरे डिपार्टमेंट में। तो सीमेंट इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ा तो वहाँ जॉब नहीं मिला? सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक वालों को जॉब नहीं मिला? देखिए, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक जॉब पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। और इसलिए जॉब पोटेंशियल की संभावना प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, तुलना में गवर्नमेंट में कम है। अभी मुझे बताइए, पहले एयर इंडिया थी, फिर इंडिगो आई, फिर जेट आया, जॉब नहीं बढ़े? और 10 कंपनी आए, जॉब नहीं बढ़ेंगे? फिर मैं सी प्लेन शुरू करना चाहता हूँ कि जहाँ एयर स्ट्रिप का MPBS सी प्लेन पानी पे निकलेगा, एयर स्ट्रिप पे उतरेगा, कम से कम 10,000 प्लेन देश में चल सकते हैं, तो कम से कम 25,000 पायलट को जॉब मिलेगा और उस बहाने 10 लाख लोगों को मिलेगा। इथेनॉल की 1,000 फैक्ट्री आज लग सकती है, 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का हमारा इंपोर्ट है, उसके बजाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री, जॉब नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर में? अभी हमारे एविएशन फ्यूल में हमने जेट्रोफा ऑयल पर 26 जनवरी को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और प्लेन चलाए। स्पाइस जेट का प्लेन 25% बायो एविएशन फ्यूल पर डेहराडून से दिल्ली आया। अगर हमारे जंगलों में ट्राइबल्स जा रहे थे, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जेट्रोफा लगाकर तेल निकालकर अगर 30,000 करोड़ का बायो एविएशन फ्यूल इंपोर्ट होने के बजाय हमारे आदिवासी और किसान सप्लाई करेंगे, जो सस्ता है, 50 रुपये लीटर आएगा, ये 70 रुपये लीटर है, तो क्या जॉब नहीं बढ़ेंगे? मैं युवाओं को कहता हूँ कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाओ। और अब आपको तो मैं बताऊँ, मैं गंगा में काम कर रहा हूँ, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, मैं 3 जगह पर पानी बेच रहा हूँ टॉयलेट का। नागपुर शहर में 90 करोड़ रुपए में टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार को बेचा, मथुरा में 20 करोड़ में टॉयलेट का पानी इंडियन ऑयल को बेचा। अब मेरे पास 150 प्रोजेक्ट है, मुझे पानी बेचना है इंडस्ट्री को और पावर को। आप आ गया हो गंगा में बहुत चैलेंजेस है। अभी केवल दिल्ली में मैं 13 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं 4,500 करोड़ के, और दिल्ली सरकार के साथ कर रहे हैं और सब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। यमुना में काम कर रहे, राम नदी, काली गंगा, सब पे काम कर रहे, 40 ट्रिब्यूटरीज पे काम कर रहे हैं, इटावा, आगरा, मथुरा में 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रयागराज में 7 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वाराणसी में 9 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पटना में 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए। कल मैंने बिहार में छपरा में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, शायद ये भी एक रिकॉर्ड बना कि 36 शिलान्यास किए और 38 मैंने उद्घाटन किए। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरा घर परिवार सब कुछ संभाल कर, व्हाट यू द बेस्ट विच आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर दिस कंट्री, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ 1 लाख करोड़ का। अब लोग मुझे सुनकर बोलते हैं कैसे होगा, अब आपको आज बता रहा हूँ। लैंड एक्विजिशन लगभग एक्वायर कर दी, 60,000 करोड़ की अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और मैं प्रधानमंत्री को पीछे लगा हूँ कि आप 4-5 दिन में मुझे डेट दो, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। और 2.5 साल में 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई रोड बनेगा और लोग अपने कार में बैठकर मुंबई जाएंगे, 12 घंटे में पहुंचेंगे, ये होगा। देखिए, मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस अभी लाई है, वेबकॉस का डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया है और मेरी इच्छा है कि दिल्ली के गली गली में डबल डेकर बस ऊपर में घूमे। सर, सड़क पे तो इतने एक्सीडेंट हो जाते, हवा में उड़ेगी दिल्ली में, सर, कैसे होगा? मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। डॉफल मेयर का वर्ल्ड में 65% मार्केट शेयर है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे में 26 प्रकार की टेक्नोलॉजी है और भारत सरकार की वेबकॉस करके जो कंपनी मेरे डिपार्टमेंट में
उन्हें टेक्निकल जॉइंट वेंचर किया है। ये मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है, उसके 50 करोड़ है और कैपेसिटी मेट्रो से ज़्यादा है। हवा में स्टेशन बनते हैं, ये धोला कुआ से मानेसर ये भी किया है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सी प्लेन, MPBS सी प्लेन, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट। अब गंगा में तो मैंने कर दिए, 5-star 7-star क्रूज आ गए, पर मैं अभी आपको और एक बात बताता हूँ। मैं ऐसा ही सोचता हूँ और कभी कभी होता भी है, एक आधे बार नहीं, मुंबई के भगवान नहीं हूँ। मैंने ये तय किया कि मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नई मुंबई में, मैं मुंबई करूँ। तो मैंने कहा मुंबई की किसी भी दिशा से 17 मिनट में कोई भी व्यक्ति नए एयरपोर्ट पर पानी से निकले पहुँचेगा, जैसे वेनिस में है कि आप जहाज में बैठकर एयरपोर्ट पर जाते हो। और वो एयरपोर्ट को मैंने अभी BPT में हमारे भाटिया है उनको कहा इसका सर्वे करो, अभी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गया है और ये हो सकता है, मैं काम भी शुरू कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट बनने के पहले आप 17 मिनट में कल्याण, डोंबिवली, कहीं भी हो, ऑल साइड, ऑल डायरेक्शन ऑफ मुंबई, आप कैटरमैरन में, हावरक्राफ्ट में या एयरबोट में बैठोगे और 17 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, ये बिल्कुल करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हमने क्रूज आए, 80 क्रूज आए, अभी नेक्स्ट 3 साल में 850 क्रूज आने वाले हैं। भाऊचा धक्का का हो गया चालू लॉजिस्टिक, वो क्रूज हमारा इंटरनेशनल क्रूज का वो भी हमने शुरू कर दिया। अभी हम लोग रो पैक सर्विस शुरू कर रहे हैं। लोगों को लगता है ये कैसे होगा, पर होगा और हुआ है।